गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू फ्यूचर कुल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। गुड मॉर्निंग एवरी वन। लेस एग्जाम आज नहीं आऊँगा, नाम चेंज नहीं करा अपना। प्यारी गुड मॉर्निंग दिलीप, विक्की, अमित, नगेंद्र, शुभम, हेमंत, गुड मॉर्निंग एवरी वन। तो चलिए आगाज करते हैं आज के दिन का। और आज एक टॉपिक हम करने वाले हैं, तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो न्यूज़ एनालिसिस है, वो हम आज और कल, टू डेज का कल एक साथ करेंगे, ठीक है। आज का और कल का दो दिन का करेंगे, क्योंकि आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाना ज़रूरी था अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2022 के लिए। अवार्ड्स से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, तो आज के सेशन में हम पहले अवार्ड्स को ही कवर करेंगे, ठीक है। ओके सो तो चलिए गाइस, एक सेकेंड दीजिए, एक सेकेंड। इससे पहले कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, स्पेशल ऑफर आया है, 40% ऑफ चल रहा है। आप कोई भी बैच परचेस करते हैं तो सभी पर 40% डिस्काउंट है। आपको कूपन कोड यूज करना है LIVE40, अगर आप लाइव बैच परचेस कर रहे हैं, और अगर आप VOD बैच परचेस करते हैं तो आपको VOD40 कूपन कोड यूज करना है। ये कॉम्बो लाइव बैच आपका स्टार्ट हो रहा है CGL मेंस का 15 दिसंबर से, जिसमें कंप्लीट आपको सिलेबस करवाया जाएगा बाय ऑल फैकल्टीज। ये 1599 का है फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। अब चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आज तो बड़े जोश में लग रहे हो तुम लोग, सब ठीक है, चलो इसी प्रकार से रहिए एग्जाम तक एटलीस्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 के अनुसार डैश भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। अवार्ड्स और थोड़ी बहुत रैंकिंग वगैरह, ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये आज हम कवर करेंगे। इसमें अवार्ड्स का ही रहेगा आपका मेनली। तो कौन सा शहर चुना गया है, यहाँ पर अवार्ड दिया है उसको, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार। अभी दिल्ली के अंदर दिसंबर 2022 में ही दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अनाउंसमेंट किया, द्रौपदी मुर्मू ने अनाउंसमेंट किया, इंदौर को दिया गया है ये पुरस्कार। लगातार छठी बार ये स्वच्छ सिटी इंडेक्स में टॉप आया था, लगातार छठी बार जो है इंदौर स्वच्छ सिटी बना है, सबसे स्वच्छ सिटी, हर साल यही टॉप करता है, ठीक है, इंदौर जो है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। पॉइंट्स क्लियर है सभी को यहाँ तक, ओके। अब बात करते हैं बड़े राज्यों के श्रेणी में, तो सर्वेक्षण ग्रामीण के लिए पहला जो पुरस्कार है, जो फर्स्ट है, वो तेलंगाना को दिया गया है। अगर हम बड़े राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों के मामले में तेलंगाना है, और दूसरे नंबर पे है हरियाणा। ये राज्यों के मामले में ये लिस्ट आपको याद रखनी है। और छोटे राज्यों की बात करते हैं या फिर हम यूटीज की बात करते हैं, दोनों में ही, तो आपका अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है जो कि नंबर वन पे रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनियन टेरिटरीज के मामले में नंबर वन पे कौन, तो अंडमान निकोबार रहा है। उसके बाद दादरा नगर हवेली है, ठीक है, फिर है दमन एंड दीव। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे क्या है, चाणक्य चाहिए, हाँ सवाल पूछे ही आगे चाणक्य वाला, पेशेंस रखो थोड़ा सा। दिसंबर 2022 में किसे अपने समुदाय और देश में योगदान के लिए प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किसे दिया गया है भाई, अपनी कम्युनिटी, अपने देश में योगदान के लिए। अभी रिसेंटली मैंने क्लास में करवाया था, शायद कल परसों ही हुआ था आपका ये क्वेश्चन। तो बताओ जल्दी से, कृष्ण वविलाना, श्लोक मुखर्जी, वेंकी रामकृष्णन, एल्स बियालियात्स्की है। जिन्होंने इसका आंसर गलत किया, मैं समझूंगी क्लास में ध्यान नहीं रहता है, शारीरिक रूप से क्लास में आते हो, मानसिक रूप से कहीं और ही रहते हो, है ना, और ये गलत बात है। ऑप्शन ए जिनका आंसर है बिल्कुल सही, कृष्ण वविलाना जो है इन्हें दिया गया है, कम्युनिटी और देश में अपने योगदान के लिए इन्हें दिया है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो ये भारतीय अमेरिकी हैं कृष्णा वविलाना, जिन्हें ये अवार्ड मिला, अमेरिकॉप्स के नेतृत्व में दिया जाता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका की है, इसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। लाइव क्लास का कितना मनी लगेगा, आप लाइव लो या बाद में देखो, सेम है, 40% ऑफ, सबके लिए सेम चार्जेस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइव क्लास के लिए ज्यादा रहेगा। मैम आपकी स्पीड ज्यादा है
सुबह सुबह ज्यादा जोश में रहती हूँ ना मैं, राजधानी की स्पीड से। ओके, थोड़ा स्पीड कम करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। निम्न में से किसने फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता? उन खोजों के लिए जो हमारी समझ प्रदान करती हैं कि आधुनिक समय के मनुष्य विलुप्त पूर्वजों से कैसे विकसित हुए, इस चीज की समझ प्रदान करती है। तो ये बेसिकली इस फील्ड में किसे दिया गया है? नोबेल पुरस्कार है। रॉय यॉर्क कार्ल्स, क्रिस्टल स्वांटे, थॉमस, ऐसे ऐसे नाम है इन लोगों के। चलो फटाफट से आंसर करो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। स्वीडिश है ये, स्वीडिश है, स्वांटे पाबो इनका नाम है। तो ये इन्हें फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2022 इन्होंने जीता है कि आधुनिक मानव जो है विलुप्त पूर्वजों से कैसे विकसित हुआ है, उस चीज के बारे में इन्होंने स्टडी की थी यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस राज्य के जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? किस राज्य के जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? हरियाणा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम या फिर ये झारखंड से बिलोंग करते हैं? कहां से बिलोंग करते हैं? गोपाल रत्न पुरस्कार जिन्हें दिया गया है, हरियाणा, बिल्कुल सही है। ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 जो है वो जितेंद्र सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट, बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस बैंक को दिया है? देखो ये जो अवार्ड है ये बैंक्स को दिया जाता है जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अच्छी फैसिलिटीज देते हैं कस्टमर्स को। उन बैंकों का एक सर्वे होता है और उसके बाद मिलता है। तो ये कौन से बैंक को मिला? देखो कैनरा बैंक की क्या स्पेलिंग लिखी है हमारे कंटेंट मैनेजर भावनाओं में बहते हुए। कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक या फिर आंध्रा बैंक को दिया गया है? क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, सारे बच्चों का आंसर करेक्ट है, कैनरा बैंक। ये भी मैंने अभी करवाया था आपको एक दो दिन पहले ही क्लास में ही। ठीक है, तो ये बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड होता है, बैंकों का सर्वे होता है, उसके बाद दिया जाता है। हमारे देश का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? SBI, जिसे पहले कहते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? फिक्की के द्वारा दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो किसे मिला? राजीव कुमार, सरकार तलवार, मोहन शर्मा या फिर आनंद कुमार को दिया गया है? फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो किसे दिया गया है भाई? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। नो, सोचो सरकार तलवार को दिया गया है, फिक्की के द्वारा मिला है ये अवार्ड। ठीक है, फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर चुना है, सरकार तलवार को चुना गया है। इनको याद रखने के लिए ना आपको रट्टा मारना पड़ेगा, हर चीज को याद करने के पीछे कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपने बचपन में टेबल याद की है, 2 is 2, 2 is 4, उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट होता था? नहीं ना, चिल्लाते रहते थे बस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आज तक भूले हो? नहीं ना। तो वो जो चीज है ना वो यहाँ पर अप्लाई करनी होती है, जहां पर कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं होती है लेकिन याद करना होता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर आपको उन चीजों को बार बार पढ़ना है, रट्टा मारना है। जितनी ज्यादा बार आप उसको रिवाइज करोगे ना, वो दिमाग के उस हिस्से में जाके स्टोर होगा जहां से कभी चीजें बाहर नहीं आती हैं। ठीक है, यस मैम याद आ गया, अच्छी ट्रिक है वो। घर में बड़बड़ाते रहो, जो चीज याद नहीं होती है ना पेपर पे लिख लो, उसको बड़बड़ाते रहो, नींद में बड़बड़ाते रहो, घर वाले सोचेंगे पागल हो गया है। कोई बात नहीं, जिसको जो सोचना है सोचने दो, लेकिन आपको चीज अगर याद हो जाएगी, जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो सबको समझ में आ जाएगा ये पागल नहीं, ये शाणा है। ठीक है ना, हाँ। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ICFT
ICFT यूनेस्को गांधी मेडल पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल है जो कि हाल ही में दिया गया है। पूछा जा रहा है कि ये किसे दिया गया। ईरानी फिल्म है ये। क्या नाम है इसका? नागेरी। ये ईरानी फिल्म है। नागेरी नाम नहीं है इसका, नरगेसी नाम है इसका। नरगेसी करो इसको, टाइपिस्ट है ना हमारे, बहुत गलतियां कर रहे हैं आजकल। गुड मॉर्निंग भाई, कौन ये भावनाओं में बहते जा रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नाउ फोकस ऑन द क्वेश्चंस। नरगेसी एक ईरानी फिल्म है, ठीक है, एक ईरानी फिल्म है और ये ना गांधी जी के विचारों पर आधारित है, इसी वजह से इस फिल्म को गांधी मेडल पुरस्कार दिया गया है। नागेरी फिल्म को मिला है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 किस कंपनी को दिया गया? पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 कौन सी कंपनी को दिया गया? चलिए फोकस ऑन द क्वेश्चंस। बहुत आज तुम लोग मस्ती कर रहे हो क्लास में, हाँ बहुत कर रहे हो आज। चलो साथ साथ में क्वेश्चंस का आंसर करते रहे। सचिन कह रहे ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो पार्टनर ऑफ द ईयर चुना गया है 2022 के लिए, पूछा जा रहा है कि कौन सी कंपनी को चुना गया है, तो बिल्कुल सही है, मैट्रिक्स बिजनेस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपको कहां पर मिलता है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर लोकेटेड है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में मिलता है, ठीक है। तो इस कंपनी को दिया गया है ये वाला अवार्ड। पॉइंट्स क्लियर सबको? ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फिक्की के द्वारा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन 2022 पुरस्कार किसे दिया गया है? फिक्की के द्वारा दिया गया है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन 2022, तो पूछा जा रहा है किसे दिया गया। आज आप लोगों ने सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो जितने भी बच्चे वॉचिंग चल रहे हैं जल्दी से करके बिना किसी कंजूसी के सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे फटाफट से। इतना सा काम ना बिना कहे कर दिया करो। ओके चलो, सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन ई आ रहा है। फिक्की के द्वारा दिया गया पैरा स्पोर्ट्स पर्सन 2022 का ये अवार्ड है। पूछा जा रहा है किसे मिला है? अवनी लेखरा को मिला है। ये लेखिका नहीं होगा, यहाँ पर भी लेखरा होगा। आज प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है थोड़ी सी ना, कोई बात नहीं, मैं सारी चीजें करेक्ट करा दूंगी, आप टेंशन मत लो। आपको PDF में आप नोट करते हुए चलिएगा, PDF की थोड़ी गारंटी नहीं ले रही मैं। वो जा चुका है आपका पहले से ही। तो अवनी लेखरा है, ये उत्तराखंड से बिलोंग करती है, सॉरी राजस्थान से, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं अवनी लेखरा। तो इन्हें पैरा स्पोर्ट्स पर्सन 2022 के लिए चुना है। इन्हें अभी पैरालंपिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता था, शूटर है, अभी गोल्ड जीता था इन्होंने, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? पद्म अवार्ड्स की बात करते हैं जो कि रिपब्लिक डे पर बाई प्रेसिडेंट इनका अनाउंसमेंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी 2022 में ये 128 लोगों को दिया गया है। कैसे दिया है? देखो पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, एंड पद्म भूषण की बात करते हैं तो ये 17 लोगों को दिया गया है, और पद्मश्री जो है ये 104 लोगों को दिया है। टोटल कितना हो गया? 128। हैंडराइटिंग अच्छी है ना मेरी, खूबसूरत है ना हैंडराइटिंग, काफी सुधार किया है मैंने अपनी हैंडराइटिंग में, ठीक है। तो 128 लोगों को मिला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें कितनी महिलाएं शामिल हैं, वुमेन्स की बात करते हैं तो 34 वुमेन्स को मिला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पोस्थमसली कितने लोगों को दिया है, यानी कि मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया है, तो मरणोपरांत जो है ये कितने लोगों को मिला है? 13 लोगों को दिया गया है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। 128 ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। गजब है मैम हैंडराइटिंग, वाह आज मेरी हैंडराइटिंग की इतनी तारीफ हो रही है, खुशी से दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, ठीक है। इसी बात पे सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो फिर जल्दी से करके, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट से। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 11। जनवरी 2022 में निम्न में से किसने अपना एलन बॉर्डन पदक जीता है? किसने जीता है?
एलन बॉर्डर मेडल जो है ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने जीता है। सो करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा। जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो सम्मान दिए जाते हैं ये उन्हीं में से एक है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये दिया जाता है। सो किसको मिला है भाई, मिचेल स्टार्क को दिया गया है। किसे दिया गया? मिचेल स्टार्क को दिया गया। यहीं से आपको तीन नाम और याद रखने हैं। स्टार्क ने मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीता है एक नाम, ठीक है। ट्रेविस हेड का नाम याद रखना है जिन्होंने मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है। एलिसा हिली की बात करते हैं, वुमेन्स वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर इन्होंने जीता है। तो ये तीन नाम यहां से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये वाला जो अवार्ड है जो कि दिल्ली में दिया गया है किसको मिला? एम एस साहू, निधि कत्री, एपी श्रीधर है या फिर सुनील वाजपेयी को यह अवार्ड दिया गया है? करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा। इकोनॉमिक लाइफ टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड एपी श्रीधर को मिला है। किसे दिया गया है? एपी श्रीधर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने आंसर किया बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे नॉमिनेट किया गया? ये फिल्म फेस्टिवल था आपका, फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है किसे? नशीरुद्दीन शाह है, शर्मिला टैगोर है, चिरंजीवी है या फिर है नागार्जुन? तो किन्हें यहाँ पे नॉमिनेट किया बताना है। ये 53rd एडिशन था, 53rd एडिशन था, किन्हें चुना गया? चिरंजीवी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। तो इन्हें इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। पॉइंट्स क्लियर सभी को? ओके, गोवा के अंदर चल रहा था और ये समारोह, अगर पूछ लिया जिसका आयोजन कहाँ हो रहा था, गोवा में हो रहा था इसका आयोजन। इनकी जो पहली फिल्म आई थी 1978 में आई थी, पुना धिरल्लू से इन्होंने डेब्यू किया था, ये इनकी फर्स्ट फिल्म थी। इसके पहले भी चिरंजीवी को 10 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, वहीं उन्हें 4 नंदी पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। हाँ, गोवा वाली बीच पर आयोजन किया गया था इस फिल्म फेस्टिवल का, बिल्कुल सही है, 53rd इसका एडिशन था। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुस्तक ने साहित्य के लिए 2022 JCB पुरस्कार जीता है? लिटरेचर के फील्ड में JCB पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है, पूछा जा रहा है किसे दिया गया है। अच्छा, मैं ना लाइक्स एक छोटा सा आपको टारगेट दे रही हूँ, ज्यादा नहीं है, 200 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ, ये आपको अचीव करना है क्लास खत्म होने से पहले, ठीक है। तो फटाफट से सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये टारगेट आपको अचीव करना है। अब देखिए, साहित्य के लिए 2022 JCB पुरस्कार है, पूछा जा रहा है किसे दिया गया है? वल्ली, द पैराडाइज ऑफ फूड, सॉन्ग ऑफ द सॉइल या फिर टॉम्ब ऑफ सैंड को दिया गया है? आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा। ओके, बिल्कुल सही है, खालिद जावेद की है द पैराडाइज ऑफ फूड ये बुक, खालिद जावेद नाम याद रखिएगा, इनकी ये बुक है जिसके लिए मिला है। जो बच्चे आंसर कर रहे थे टॉम्ब ऑफ सैंड, ये किसकी रचना, ये किसकी बुक है? गीतांजलि श्री की बुक है, इसको भी नोट करो, ये गीतांजलि श्री की बुक है जिसके लिए इन्हें अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला था इन्हें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16th PRCI ग्लोबल कम्युनिकेशंस कॉन्क्लेव 2022 में व्यापक प्रदर्शन करते हुए चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड किसने जीता? चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड जो है ये हाल ही में किसने जीता ये आपको बताना है। NMDC है, गेल, HPCL या फिर OCL ने जीता है? आंसर करेंगे जल्दी से क्या होगा।
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसे दिया गया है 16th एडिशन है ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2022 में यह अवार्ड दिया गया है NMDC को। इज इट ओके? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? क्वेंटिन टैरेंटिनो, क्रिस्टोफर नॉलन, कार्लोस सोरा, डेविड फिंचर। यस, आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही है, जिन्होंने सोरा आंसर किया, कार्लोस सोरा करेक्ट है। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है इनको, नाम है कार्लोस सोरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक पंचरंग चोला पहाड़ सखी री के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देखो जो बिहारी पुरस्कार है ना, वो किसको दिया जाता है? बिहार के लेखक को नहीं, ये राजस्थान के लेखक को दिया जाता है, याद रखिएगा। बिहारी पुरस्कार जो है ये राजस्थान के लेखक को दिया जाता है। तो अभी 32वां जो है वो किससे मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करेंगे जल्दी से, 32वां जो है ये किसे दिया गया है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है। किसे मिला है? डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है 32वां बिहारी पुरस्कार। अच्छा, सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? क्योंकि जो टॉपिक वाइज होता है ना, जैसे कि अवार्ड्स का हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, इम्पॉर्टेंट डेज हो गए, यहाँ पर ना थोड़ा सा बोरिंग चला जाता है ना? नहीं मैम, मज़ा आ रहा है। ये देखो, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, बोरिंग से बोरिंग टॉपिक को भी एकदम एंजॉय कर लेते हैं। मैम आज फैक्ट्स नहीं है क्या? तुम लोग को फैक्ट्स की आदत हो गई है ना? आज फैक्ट्स नहीं है, कल हम करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे तो वहाँ पर फैक्ट्स करेंगे, ठीक है? हाँ, मज़ा आ रहा है मैम बहुत। चलो फिर सेशन को लाइक एंड शेयर करो जल्दी से, ताकि बाकी बच्चे भी एंजॉय करें इस क्लास को, झूठे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे 2022 का कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान पुरस्कार दिया गया, जर्नलिज्म के फील्ड में दिया है? तो पूछा जा रहा है कि किसे दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ जी, आंसर बताएंगे जल्दी से, विच इज योर करेक्ट आंसर? ओके, आरफा खानम शेरवानी, बिल्कुल सही है। क्या नाम है इनका? आरफा खानम शेरवानी इनका नाम है, जिन्हें की कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है वो कुछ हो रही है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में कहूँ कहाँ से आ गया। चलो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, जो टाइपिस्ट है ना आज उनसे बात करती हूँ, वो आजकल कौन से ख्यालों में रख के टाइप करते समझ नहीं आ रहा, कहीं कहीं उन्होंने मिस्टेक्स कर रखी है टाइपिस्ट ने, आज बात करते कि भैया भावनाओं में बहते बहते कहते डूब जाते हो क्या? हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 दिया गया। पूछा जा रहा है कि ये किसे दिया गया है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बारबरा मेटकाफ को दिया गया है। किसको दिया गया है? बारबरा मेटकाफ को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, अपने काम द सेवन मोन्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए फिक्शन के लिए ब्रिटेन का बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? ब्रिटेन का बुकर प्राइज 2022 किसने जीता? चंदन कुमार कह रहे हैं मैम गुड मॉर्निंग, साथ में भेजी है फूल पत्तियां,
और कुछ खाने के लिए भी भेजा है। कल से अगर क्लास में टाइम पर नहीं आए ना तो कोई गुड मॉर्निंग नहीं लेंगे हम, ठीक है। कल से क्लास में टाइम पर आना है, क्लास का टाइम है 8 बजे, एग्जैक्ट 8 बजे क्लास में पहुंच जाया करें, ओके। इनविटेशन आपको दे दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जो साइंस विद काजल मैम के नाम से है, और मेरा है टेलीग्राम चैनल पिंकी सरोहा के नाम से, इसको ज्वाइन कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना कि जब भी क्लास लगेगी मेरी तो घंटी बज जाएगी, आपको पता चल जाएगा क्लास लग चुकी है और आप सीधा क्लास में, ठीक है। ओके, आज तो ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, लेकिन कल से आना है 8 बजे एग्जैक्ट टाइम पर, ठीक है। अच्छा, कीवी भेजा है मैम आपके लिए, बस बस ये इतना नहीं चलेगा, क्लास में टाइम से आना है, ठीक है। देखो, अपने काम द सेवन मोन्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए फिक्शन के लिए ब्रिटेन का क्या दिया गया है, बुकर प्राइज दिया गया, पूछा जा रहा है किसे दिया गया। ये श्रीलंका के लेखक है श्रेहन करुणा तिलका नाम है इनका, ये श्रीलंका की राइटर है श्रेहन करुणा तिलका नाम है, इन्हीं को यह अवार्ड दिया गया है। इज इट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी अभी तक जो मैंने आपको करवाए हैं ये लास्ट 3 मंथ्स के थे, ओनली लास्ट 3 मंथ्स के थे। अब जो आगे के मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ये थोड़े पुराने क्वेश्चंस भी हैं, 2022 के हैं वैसे सारे क्वेश्चंस, कुछ कुछ 2021 के इंपॉर्टेंट भी हैं। ये वाला सेक्शन आपका थोड़ा सा पुराना रहेगा, तो पूरे साल का आज के 2 पार्ट्स में मैंने कवर करा दिया आपको। अभी जो था वो 3 से 4 महीने का था, बिल्कुल लेटेस्ट वाला था। अब थोड़ा पुराना वाला भी कर लेते हैं, तो क्या होगा आपका पूरे साल का आज अवार्ड्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रेडी सब लोग, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में 2022 में किस टाइगर रिजर्व में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 अवार्ड जीता है। ये जो TX2 अवार्ड है ये पूछा जा रहा है कि किसने जीता है। मैम आपका किस नाम से है, पिंकी सरोहा के नाम से मिलेगा आपको मेरा टेलीग्राम चैनल, ओके। ऑप्शन नंबर सी होगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। लास्ट ईयर किसको मिला था, पीलीभीत को मिला था लास्ट ईयर ये TX2 अवार्ड, और ये यूपी का है टाइगर रिजर्व, ये यूपी का टाइगर रिजर्व है जिसे दिया गया था। एंड ये किसको दिया जाता है, देखो TX2 अवार्ड का मतलब ये T×2 होता है एक्चुअली, इसका मतलब होता है कि टाइगर्स की संख्या डबल जहां की गई है, जिसने टाइगर्स की संख्या को डबल किया है उस टाइगर रिजर्व को मिलता है ये अवार्ड, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था आपका, 1973 में आया था, फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है ये बनाया गया, तो ये हर साल दिया जाता है। इस बार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड के लिए चुना गया है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है, 2021 सॉरी हाँ, ओके। सो आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है जिन्होंने आंसर किया ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है, पी आर श्रीजेश है। पी आर श्रीजेश, इनका नाम किस खेल के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इनका नाम हॉकी के साथ में जुड़ा हुआ है, ये हॉकी के प्लेयर हैं। और अभी रिसेंटली की बात करते हैं तो ये जो पुरस्कार जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बने हैं इसको जीत करके, लेकिन सिर्फ हॉकी खिलाड़ी की बात करते हैं तो ये दूसरे हॉकी खिलाड़ी ही बने हैं आपके एक्चुअली, ठीक है, दूसरे भारतीय बने हैं और हॉकी खिलाड़ी भी यस आपके दूसरे ही बने हैं, पी आर श्रीजेश हैं जिनका नाम। इससे पहले किसको दिया गया था, इससे पहले जो पहले भारतीय बने थे ये रानी रामपाल बनी थी जो कि हॉकी की रानी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देखो दिसंबर 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, भेल सेल गेल इंडिया लिमिटेड या फिर HAL को दिया गया, किसको दिया गया ये आपको बताना है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिनका आंसर है करेक्ट है सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, क्योंकि इन्होंने जो प्रोडक्शन किया है वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए किया है, कि एनवायरनमेंट से होता है ना कि इनके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर बहुत सारी जहरीली गैसेस या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्टील का प्रोडक्शन किया गया है, इसी वजह से मिला है किसको, सेल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी किस स्टेट या फिर यूटी को दी गई, किसको चुना गया भाई, सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है ये कौन से स्टेट या फिर यूटी की रही थी, जो लास्ट ईयर चुना गया था वही इस साल भी चुना गया है, यानी कि कौन सा स्टेट, यूपी को चुना गया है, 2021 में भी यूपी था, 2020 में असम की झांकी को चुना गया था, ठीक है, तो फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूपी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, सर्वश्रेष्ठ झांकी, यहाँ पे जो थीम था वो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, लास्ट ईयर की जो थीम थी यूपी की वो राम मंदिर थी, ठीक है, अयोध्या का जो राम मंदिर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी को द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 के पुरस्कार से नवाजा गया है, द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 से किस फुटबॉलर को नवाजा गया है, ये आपको बताना है फीफा के द्वारा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, रॉबर्ट लेवांडोस्की या फिर नेमार होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रॉबर्ट लेवांडोस्की को चुना गया है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि टॉप पे कौन से आपके जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए, तो आप आंसर करिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके नाम पर 117 गोल्स का रिकॉर्ड है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे फिर आपके लियोनेल मेसी हैं, फिर है सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड्स के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी की गई, इसमें किस शहर को 2022 के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन प्लेस चुना गया है, उस अवार्ड से नवाजा गया, जो बेस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है टूरिज्म के पर्पज से, तो ये कौन से शहर को चुना गया है, ये आपको बताना है, चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, ओके बिल्कुल सही है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी आंसर किया है, दुबई है नंबर 1 पे चुना गया है, ठीक है, और यूके का लंदन है जो कि नंबर 2 पे चुना गया है, इंडिया का कोई शहर है, इंडिया का बात करते हैं तो दिल्ली को चुना गया है जो कि 15th नंबर पे है, ठीक है, बेस्ट डेस्टिनेशन प्लेस इंडिया की बात करेंगे तो 15th नंबर पे दिल्ली को चुना गया है, टॉप पे आपका दुबई हो जाएगा जो कि यूएई का शहर है दुबई, जहां पर वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग मिलते हैं आपको, बुर्ज खलीफा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में असम गवर्नमेंट ने किसे राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किए जाने की घोषणा की है, असम वैभव पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, ये आपको बताना है, आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी रतन टाटा, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, रतन टाटा को दिया गया है असम वैभव पुरस्कार, ये मैंने कल की क्लास में ही कराया था, एडिशनल फैक्ट्स के अंदर कराया था मैंने, ठीक है, तो ये असम के द्वारा शुरू किए गए अवार्ड से असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा को दिया, जिसको लेने के लिए खुद गए नहीं थे ये, इनके घर भिजवाया गया था ये अवार्ड, रतन टाटा इसको रिसीव करने नहीं, इन्होंने रिसीव नहीं किया था इस अवार्ड को, तो ये दिया गया, असम में ना 3 इस प्रकार से दिए जाते, असम वैभव हो गया, असम गौरव हो गया, एक असम सौरभ हो गया, ये 3 अवार्ड्स हैं जो असम गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2022 में देश भर के कितने बच्चों को, एक सेकेंड, जनवरी 2022 में देश भर के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 24, 13, 29 या फिर 30, आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है 29 जिन्होंने आंसर किया है,
29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। किन बच्चों को मिला? जो इनोवेशन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, समाज सेवा, इन सब चीजों में बहादुरी से काम करते हैं, उनको दिया गया। तो ये जो 29 बच्चे चुने गए हैं, ये 21 स्टेट या यूटी से चुने गए हैं। 29 जो बच्चे चुने गए हैं, 21 राज्य और यूटी से चुने, जिसमें से 15 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं। 15 बॉयज एंड 14 गर्ल्स यहां पर चुने गए हैं, ठीक है? ओके, तो 7 फील्ड में मिला है इन्हें ये अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? सुभाष चंद्र बोस के नाम पे दिए जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, ठीक है? इनकी जयंती आती है 23 जनवरी को, जिसे कि हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अभी इनकी कौन सी जयंती थी? 125वीं जयंती थी अभी, ठीक है? तो यहाँ पर कौन सा अवार्ड दिया गया है, मतलब किसको दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लास्ट ईयर ये किसको मिला था? लास्ट ईयर की बात करते हैं तो किसे दिया गया था? राजेंद्र कुमार भंडारी को लास्ट ईयर मिला था। इस बार ये है राजेंद्र कुमार भंडारी जिन्हें लास्ट ईयर मिला था, इस बार प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। अच्छा मुझे बताइए, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक ट्रेन का नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस किया गया, उस ट्रेन का नाम क्या है? जल्दी से, आप लोग कह रहे थे ना कि मैम अवार्ड दीजिए, देंगे, इसका आंसर करो। सबसे पहले रितु ने आंसर किया, लेकिन पूरा आंसर नहीं किया है, सिर्फ एक शब्द लिखा है। आधा वोट दे दें, चलेगा? ओके, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, रितु ने ही सबसे पहले आंसर किया है, दूसरा, ठीक है। सचिन कह रहे मैम नहीं पता, नहीं चाहिए, ईमानदार बच्चे। ओके, बिल्कुल सही है, ये है आपकी हावड़ा कालका मेल ट्रेन, जिसका नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाँ जी, दिसंबर 2021 में किसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हाँ जी, आंसर करेंगे जल्दी से। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। और किसको मिला है? ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही है, इनकी एक रचना आती है कित्सुंगी करके है, इनकी बुक आती है जिसके लिए मिला था, ठीक है? अनुकृति उपाध्याय किसे दिया गया? अनुकृति उपाध्याय को दिसंबर 2021 में दिया गया। नेक्स्ट, इस ये जो अवार्ड है, इसकी स्थापना रतनलाल फाउंडेशन के द्वारा की जाती है। ये महिला लेखक के द्वारा लिखे गए फिक्शन के सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या है। हाँ सुनील साहू, देखो 2021 के सारे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट है 2021 वाले भी, क्योंकि अवार्ड्स से क्वेश्चंस 2021 का भी आ सकता है, चांसेस हैं इसके, इसीलिए ज़्यादातर चांसेस तो 2022 के, इसीलिए मैंने फर्स्ट पार्ट में सारे 2022 के कराए हैं आपको, सेकंड पार्ट में मैंने थोड़ा सा मिक्स उठाया है, ताकि आपका दोनों, जो कम इम्पॉर्टेंट है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो दोनों कवर हो जाए। तो मैंने कुछ 40-50 क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं अवार्ड्स के सेक्शन से, इससे बाहर कुछ आना तो नहीं चाहिए, इतने क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं आपको। कल से जो नए अवार्ड्स होंगे वो आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि अब मैं दोबारा नहीं कराऊंगी। जो नए अवार्ड्स कल से होंगे क्लास में, जो अब आगे मिलेंगे 2023 के लिए मिलेंगे मोस्टली, ठीक है, या 22 के लिए भी मिल सकते हैं, तो वो आप साथ के साथ नोट करते हुए चलना। ओके, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा नाइटहुड की उपाधि से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? सो क्लाइव लॉयड को मिला। किसे दिया गया? क्लाइव लॉयड को। ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, तो इन्हें दिया गया है नाइटहुड की उपाधि अभी हाल ही में ही। इन्होंने 1975 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में, तो इन्होंने कप्तानी की थी, कैप्टनशिप की थी, ठीक है।
तो इनका नाम आपको याद रखना, ये वेस्ट इंडीज के क्या है, फॉर्मर कैप्टन रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में साहित्य अकेडमी ने 22 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य पुरस्कार 2021 की घोषणा की, इसमें किसे हिंदी भाषा की बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? बिहार सीजीएल, सीजीएल तो सेंटर का होता है ना, पूरा एसएससी सीजीएल सबके लिए होगा, बिहार का थोड़ी ना कुछ अलग से होगा, वो स्टेट एग्जाम्स आपके अलग होते हैं, ये सेंटर का एग्जाम है। ऑप्शन ए और बी कुछ आंसर आ रहे हैं। ओके, सो हिंदी भाषा की क्या है, बाल साहित्य पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो जिनका आंसर है यहाँ पर देवेंद्र मेवाड़ी करेक्ट है, 22 भाषाओं में से दिया जाता, देवेंद्र मेवाड़ी को हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 को 79th गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? गोल्डन ग्लोब अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑन 9th जनवरी 2022 के लिए ये कौन से फिल्म को दिया गया है, ये आपको बताना है, कौन से फिल्म को मिला है? आंसर क्या होगा, द पावर ऑफ द डॉग, बुलेट ट्रेन, किंग रिचार्ड या फिर बेलफास्ट मूवी को मिला है? ऑप्शन नंबर ए जिनका आंसर है करेक्ट है, द पावर ऑफ द डॉग के लिए मिला है, और इसी के जो डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर भी चुने गए थे, तो ये गोल्डन पिकॉक अवार्ड है, द पावर ऑफ द डॉग को मिला, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेस्ट मोशन फिल्म तो ये हो गई, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस की बात करते हैं तो फिल्म ड्रामा के लिए चुना गया, एक्टर है विल स्मिथ, किंग रिचार्ड मूवी के लिए, एक्ट्रेस है निकेल किंडमैन जो कि बीइंग द रिकॉर्ड्स मूवी के लिए चुनी गई है, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जनवरी 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी में किस राज्य को फर्स्ट प्राइज मिला? एमपी है फर्स्ट, तमिलनाडु, गुजरात या फिर यूपी होगा? ये जल पुरस्कार दिए गए थे भाई, वाटर अवार्ड्स दिए गए थे, बिल्कुल सही है, टॉप पे यूपी। किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ, जो राज्य चुना गया है वो यूपी को चुना गया है, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे पूछा जाए तो राजस्थान होगा एंड तीसरे नंबर पे रहा है आपका तमिलनाडु, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीन रैंक आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, और ये डिस्ट्रिक्ट में पूछ लिया जाए आपसे, जिलों के मामले में तो केरला का जो जिला है तिरुवनंतपुरम, जो उसकी कैपिटल है, वो सबसे टॉप पे रहा है। जिलों की बात करते हैं दक्षिणी जोन में, पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला ये चंपारण बिहार को मिला है, वेस्ट जोन में ही बात करेंगे वेस्टर्न में तो इंदौर को मिला है, और नॉर्थ जोन की बात करते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर को मिला है। तो ये जोन वाइज जो है यहाँ पर स्टेट्स का, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स का दिया गया है कि किसे सर्वश्रेष्ठ जिला का प्रथम पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 15, दिसंबर 2021 में पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पेटा, पेटा जो होता है आपका पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, ठीक है, तो इसके द्वारा क्या पर्सन ऑफ द ईयर हर साल चुना जाता है, तो अभी किसे चुना गया था ये आपको बताना है, किसे चुना गया था, आलिया भट्ट को चुना गया था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ये उनको दिया जाता है जो एनिमल्स के वेलफेयर का काम करते हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है, तो आलिया को मिला था, आलिया आलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, फरवरी 2022 में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? मुझे इसके अवार्ड का नाम बड़ा अच्छा लगता है, हिलाल ए पाकिस्तान। बताइए जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स को मिला, या फिर एलन मस्क को मिला, जेफ बेजोस या सुंदर पिचई को मिला? बिल्कुल सही है, बिल गेट्स को दिया गया, ठीक है, बिल गेट्स को दिया गया, ये पाकिस्तान का सेकंड सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है, जो कि अभी पाकिस्तान की यात्रा पे ये गए हुए थे फरवरी 2022 में,
तो कोविड को अंकुश लगाने के लिए इन्होंने काफी काम किया था दौरे के दौरान, तो इसी वजह से इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। गाइस सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर करते चले। अगर आप लोग क्लासेस में नहीं आओगे तो मैं ये क्लासेस बंद करवा के एप्लीकेशन पे लगवा दूंगी। सीरियसली अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो क्लासेस करने में तभी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। आप लोग सोच लीजिए, अगर आप चाहते हो क्लासेस कंटिन्यू रहें तो जितना हो सके बच्चों को जोड़ो, जितना हो सके क्लास को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास में लेकर आओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। दिसंबर 2021 में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे दिया गया। जिनका आंसर है दामोदर मावजो, करेक्ट है। नीलमणि फूकन को उससे पहले मिला था, नीलमणि फूकन को ये 56th वाला मिला था, अभी दामोदर मावजो को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे युवा गणितज्ञों के लिए दिया जाने वाला रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामानुजन पुरस्कार ये मैथमेटिक्स के फील्ड में मिलता है, क्योंकि जो रामानुजन है वो एक मैथमेटिशियन रह चुके हैं, जिनका हैप्पी वाला बर्थडे आता है 22 दिसंबर को, और इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं किस रूप में, मैथमेटिक्स डे के रूप में से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हाल ही में पूछा जा रहा है कि अवार्ड इनके नाम पर किससे मिला, लीला सेठ, नीना गुप्ता, बिंदेश्वरी मिश्रा या फिर रोहिणी कोल को दिया गया है। सो क्या लगता है आंसर क्या होगा? नीना गुप्ता, बिल्कुल सही है, नीना गुप्ता को दिया गया। नेक्स्ट, और इस अवार्ड को पाने वाली तीसरी महिला बनी थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। जनवरी 2022 को 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया। उद्धव ठाकरे, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस या फिर भगत सिंह कोश्यारी, किसके द्वारा दिए गए हैं ये अवार्ड्स, जो कि 12th एडिशन था इसका। ओके, बिल्कुल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिए गए, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है। अच्छा, मिला किस किस को है ये अवार्ड? तो यहाँ पे दो नाम आपको याद रखने, किस किस को मिला है। एक तो एक्ट्रेस है हर्षाली मल्होत्रा है, एक केडिया सिक्योरिटीज के एमडी हैं डॉक्टर विजय केडिया, इन दो लोगों को दिया गया है ये भीमराव अम्बेडकर अवार्ड जो है। तो ये दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जो डॉक्टर सतीश अडिगा है, इन्हें चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद हम मिस लालिया स्ट्रेटेजी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो जाएं। ओके, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये मैं पीछे करवा चुकी हूँ, रिपीट हो गया है क्वेश्चन आपका। 128 लोगों को मिला, जिसमें से 34 महिलाएं हैं, और 13th मरणोपरांत लोगों को दिया गया, ठीक है। चलिए, सो आगे अब हम कुछ मिसलानियस क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अभी क्वेश्चन आपके बच्चे अवार्ड्स एक दो। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 21 ये है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रेचल हेहू फ्लिंट ट्रॉफी के विजेता के रूप में किन्हें नॉमिनेट किया गया। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर, अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ था अभी आपका, तो बताएंगे जल्दी से। ये जो अवार्ड है इसके लिए किसको चुना गया, स्मृति मंधाना को, क्रिकेट प्लेयर है स्मृति मंधाना, वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए यहाँ पर इनको चुना गया है, ये याद रखिएगा। और मैन्स ऑफ द ईयर में किसको, मोहम्मद रिजवान को मिला था, मोहम्मद रिजवान, इन्हें कौन सा दिया गया था, इन्हें मैन्स ऑफ द ईयर दिया गया था। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते, आईसीसी मैन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया था। और T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात करते हैं यहीं पर, वुमेन्स कैटेगरी में किसे, ये तो T20 इंटरनेशनल मैन्स कैटेगरी में है, एक आपको याद रखना है T20 इंटरनेशनल, वुमेन्स कैटेगरी में किसे दिया गया है, तो वुमेन्स कैटेगरी में है टैमी ब्यूमोंट नाम है उनका, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती है, टैमी ब्यूमोंट, ये दो नाम ये T20 इंटरनेशनल में है,
दोनों नाम ठीक है ओके अच्छा आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर किसे चुना गया मराइस रास्मस को चुना गया अंपायर ऑफ द ईयर आईसीसी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 जनवरी 2022 में फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी में रामनाथ गोयंका अवार्ड के विजेता के रूप में किन्हें नॉमिनेट किया गया है क्या है रामनाथ गोयंका अवार्ड के रूप में विजेता के रूप में किसे सम्मानित किया गया रमन वाजपेयी को सुमित मुर्मू को जिशान ए लतीफ को या फिर उजायरा फरहीन को चुना गया है नेक्स्ट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर ये फोटो जर्नलिज्म के फील्ड में मिला है दिया गया है ऑप्शन नंबर सी जिशान ए लतीफ करेक्ट है क्या होगा जिशान ए लतीफ इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट हाँ जी अभी वॉइस आ रही है नाउ इज इट ऑडिबल ठीक है देखिए 2022 के लिए बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड पूछा जा रहा है कि किसे दिया यौन पुनावाला आशीष दवे अनिल कुमार या फिर रितेश अग्रवाल को दिया गया तो जिन्होंने यहाँ पे आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए यौन पुनावाला करेक्ट है ठीक है पुनावाला फैमिली से ये अच्छा साइरस पुनावाला नाम आप लोगों ने सुना होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है उसके हेड साइरस पुनावाला इन्हें लास्ट ईयर मिला था लोकमान्य तिलक पुरस्कार तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे क्या है हाँ जी 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता था 2021 का जो टेम्पल्टन पुरस्कार है ये किसने जीता था कैथरीन जॉनसन जैन गुडॉल गेल हडसन या फिर ग्रेटा थनबर्ग ने जीता आंसर करेंगे क्या होगा करेक्ट आंसर टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के लिए किसने जीता आंसर है जैन गुडॉल ने जीता सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दे सभी बच्चे मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है 200 लाइक्स का वो अभी तक आप लोगों ने अचीव नहीं किया तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे सभी बच्चे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 ये लास्ट क्वेश्चन उसके बाद हम स्टैटिक जीके के मिसलानियस क्वेश्चंस करेंगे ठीक है देखो शिक्षा विकास के लिए 2021 यदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे ये एजुकेशन के फील्ड में पार्टिसिपेशन के लिए दिया गया है रुक्मणी बनर्जी को मिला है किन्हें मिला है रुक्मणी बनर्जी को दिया गया एजुकेशन के फील्ड में दिया गया है उन्होंने सुधार के लिए लर्निंग के लिए काम किया था इसलिए मिला इनको लर्निंग प्लेटफॉर्म पे सो अब बारी है लाइव टेस्ट की यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके मिसलानियस फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है और अपना अपना स्कोर नोट करके मुझे लास्ट में बताना है ठीक है रेडी सब लोग थम अप कर दिया करो फटाफट से देखो फर्स्ट क्वेश्चन निम्न में से बोलक आर्ट किस राज्य का एक फोक डांस है
एक डांस फॉर्म है, बोलक आर्ट जो है वो एक डांस फॉर्म है, तो कौन से स्टेट में ये डांस फॉर्म की जाती है ये आपको बताना है। कर्नाटका, राजस्थान, यूपी या फिर हरियाणा में होता है। सचिन आनंद, अभी जो देखो मैंने लिखो है ये डेली की क्लासेस में होंगे आपके, तो वहां पर आप साथ के साथ नोट करते जाइएगा, आपने जो यहाँ पे आज जो नोट्स बनाए ना उसी में आगे ऐड करते चलना। बोलक आर्ट एक डांस फॉर्म है जो कर्नाटका में होती है, ठीक है। बोलक आर्ट एक डांस फॉर्म है जो कर्नाटका में होती है। यहाँ पर कौन कौन से डांस फॉर्म होती है कर्नाटका की बात करते हैं, यक्षगान जो कि यहाँ का फेमस फेस्टिवल भी है, कम्बाला फेस्टिवल, ये भी कहाँ होता है कर्नाटका में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, विद्या बालन को निम्न में से किस जीवन बीमा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नॉमिनेट किया गया है। कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसके लिए विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया था। आंसर बताएंगे क्या होगा, बफरिंग हो रही, नहीं तो यहाँ से कोई बफरिंग नहीं हो रही है, हो सकता है एक दो सेकंड के लिए हो गई होगी, अब तो ठीक चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय एग्जा लाइफ इंश्योरेंस, बिल्कुल सही है। भारतीय एग्जा लाइफ इंश्योरेंस जो है इसके लिए विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, और लास्ट ईयर जो है इन्हीं को श्रीनगर फील्ड फायरिंग रेंज का नाम चेंज करके विद्या बालन के नाम पे रखा था। श्रीनगर फील्ड फायरिंग रेंज का नाम चेंज करके किसके नाम पे रखा गया था, विद्या बालन के नाम पर रखा गया था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तपोवन विष्णुगढ़ ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन से स्टेट के अंदर आपको मिलता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी या फिर राजस्थान में लोकेटेड है। रितु करेक्ट है, सचिन आनंद नो, आंसर करो फटाफट से जल्दी जल्दी। जिन्होंने उत्तराखंड आंसर किया है करेक्ट, तपोवन विष्णुगढ़ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, तो उत्तराखंड के अंदर होता है। 520 मेगावाट की कैपेबिलिटी है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। इज इट ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। अच्छा, यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इनमें से ना गलत वाला बताना है कि गलत जो है वो इसमें से कौन सा है। संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था, बिल्कुल सही है। मोपला विद्रोह केरला में हुआ था, बिल्कुल सही है। रंगपुर विद्रोह क्या ये बिहार में हुआ था, नहीं, रंगपुर विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर। रंगपुर विद्रोह की बात करते हैं जो कि 1783 के अंदर होता है बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, जो किसान और जमींदारों के द्वारा सरकार मतलब किसान और जमींदारों के बीच में हुआ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेवेन्यू की डिमांड की जा रही थी किसानों से, तो इसी वजह से क्या है ये पूरा विद्रोह हुआ था, तो ये किसान विद्रोह था एक तरह से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, चांग लो जिसे कि सुआ लुआ के नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से किस राज्य का यह फोक डांस है। चांग लो की बात करते हैं तो ये कौन से स्टेट का फोक डांस है, केरला, मेघालय, असम या फिर नागालैंड का ये फोक डांस है, विच इज योर आंसर। चांग लो सुआ लुआ के नाम से भी जाना जाता है, तो यह कौन से स्टेट का फोक डांस है। ऑप्शन नंबर डी जिनका आंसर है नागालैंड करेक्ट, ठीक है। नागालैंड में किया जाता है, यहाँ का फेमस फेस्टिवल पूछा जाए तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो कि नागालैंड का फेमस फेस्टिवल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, यस, एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के घुड़सवारी एथलीट और एकमात्र नागरिक कौन बने हैं। एशियन गेम्स के ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाले जो एकमात्र भारतीय बने हैं कौन बने हैं, अविनाश साबले, संदीप कुमार, शशांक सिंह कटारिया, तेजेंद्र पाल सिंह तूर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शशांक सिंह कटारिया बने हैं,
कौन बने हैं? शशांक सिंह कटारिया, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड द स्कंदगुप्त ड्रामा? स्कंदगुप्त की रचना किसने की थी? प्रेमचंद, मालती जोशी, जयशंकर प्रसाद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी? जल्दी आंसर करें, स्कंदगुप्त की रचना किसने की थी? यह किसकी रचना है, किसकी बुक है? सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर करते चले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। जितने नए बच्चे जुड़े क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स जो बुक आती है इसके राइटर कौन है? डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स के नाम से जो बुक आती है आपको बताना है कि इसके राइटर कौन है। आंसर करेंगे जल्दी से क्या होगा, रामचंद्र गुहा, चेतन भगत, अविनाश कुमार या फिर दलाई लामा? ओके, ऑप्शन सी डी ए, तुक्का लगाने का सिलसिला चरम सीमा पर पहुंचते हुए हमारी क्लास ने, देखो जिन्होंने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रामचंद्र गुहा की बुक आती डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स के नाम से। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स के नाम से किसकी बुक है? रामचंद्र गुहा की। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की स्थापना जो है ये कौन से ईयर में होती है? 1947, 49, 53 या फिर 1952 में होती है? देखो दोनों सदनों की स्थापना 13 ऑफ मई 1952 राज्यसभा, 13 ऑफ मई 1952 लोकसभा। जो फर्स्ट सेशन हुआ था लोकसभा का या राज्यसभा का आप कहो, तो ये कब होता है आपका? सेम डे पर हुआ था, 13 ऑफ मई 1952, सेम डे पर लोकसभा एंड राज्यसभा का फर्स्ट सेशन हुआ था। राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 80। लोकसभा ये आता है आर्टिकल 81 में, और पार्लियामेंट की बात करते हैं तो ये आता है आर्टिकल 79 में। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बीबी का मकबरा कहां पर लोकेटेड है? वेरी इजी क्वेश्चन, जिसने इसका आंसर गलत किया वो बनेगा आज की क्लास का चिरकुट। बीबी का मकबरा जो है ये पूछा जा रहा है कि कहां पर स्थित है, कौन सी जगह पे स्थित है, जो कि 1660 में बनाया गया है। किसने बनाया है? औरंगजेब ने इसको बनवाया था अपनी बीवी के लिए, औरंगजेब ने इसको बनवाया था अपनी बीवी की याद में बनाया था। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपको मिलता है, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मिलता है। इन्होंने अपनी बीवी के प्यार में बनवाया था, क्या नाम है उनका, दिलरस बानो बेगम, राइट, उनके लिए बनवाया था। अच्छा, औरंगाबाद के अंदर ही आपको केव्स मिलती, कौन कौन सी केव्स मिलती है औरंगाबाद में आपको मिलती हैं? अजंता केव्स, एलिफेंटा केव्स, ठीक है, और एक कौन सी रह गई, आजकल तो शब्द ही दिमाग से निकल जाते हैं, शब्द निकल जाते दिमाग से, ताजमहल का डुप्लीकेट, यस ठीक है, तो बताओ कौन सा था, एक अजंता केव्स हो गया, एलिफेंटा केव्स हो गया, कन्हेरी केव्स था एक आपका, ये संख्या में कितनी है? अजंता की बात करेंगे 29 है संख्या में, एलिफेंटा की बात करेंगे ये 7 है, यस एलोरा, एलोरा केव्स ये संख्या में 34 है, आजकल शब्द ही खो जाते हैं कभी कभी डिक्शनरी से, ये संख्या में 108 है। ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। AK-47, मैं कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बहते जा रहे हो आप, हाँ कुछ ज्यादा ही, चलिए हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार से भावनाओं में बहते रहें, हमेशा जीवन में आगे बढ़े, बहते बहते अपने कामयाबी तक पहुंच जाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नाउ फोकस ऑन द क्वेश्चन, ये केव्स हैं सारी जो आपको महाराष्ट्र में मिलते हैं, और बीबी का मकबरा हो गया औरंगाबाद के अंदर लोकेटेड है, औरंगजेब ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था, वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक माना जाता है ये।
ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखो निम्न में से किसने जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का फाइनल जीता? हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन्स सिंगल्स फाइनल इन जनवरी 2022? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक या फिर अलेक्जेंडर ने जीता है? आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा? बिल्कुल सही है, राफेल नडाल जिनका आंसर है। वैसे तो ग्रैंड स्लैम मैं सारे करा चुकी हूँ आपको, 2022 के सारे ग्रैंड स्लैम हैं जो कि मैं करा चुकी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। एग्जाम में जाने से पहले वह सारे ग्रैंड स्लैम रिवाइज करके चले जाना। साल में कितने होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कोर्ट पूछा जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, वो भी मैंने अभी एक दो दिन पहले भी क्लास में कराया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2021 के प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर किसने जीता? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये किसने जीता? रोजर फेडरर, मनप्रीत सिंह, नोवाक जोकोविक या फिर पीआर श्रीजेश ने जीता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये कौन से खेल से बिलोंग करते हैं? हॉकी से हैं। ठीक है, पीआर श्रीजेश ने जीता है, ये ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 की बात करते हैं, कौन से स्टेट ने यहाँ पर शीर्ष स्थान हासिल किया? महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? विच इज योर आंसर? आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसमें नंबर 1 पे है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे आया। पिछले 3 सालों से यही है जो कि टॉप कर रहा है, 2020 में भी आंध्र प्रदेश ये शीर्ष स्थान पे रहा था। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है, फिर तीसरे नंबर पे ओडिशा है और उसके बाद है गुजरात आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। When was the All India Harijan Sevak Sangh established? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब होती है? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की जाती है? 1932, 39, 47 या फिर 51 में की जाती है? हरिजन सेवक संघ ये बेसिकली एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में इसकी स्थापना होती है। पहले इसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, 1933 के अंदर इसका नाम चेंज किया गया। स्थापना 1932 में होती है लेकिन 1933 में इसका नाम भारतीय हरिजन सेवक संघ रखा गया था। सो, ये उन लोगों के लिए वेलफेयर का और उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है जो कि हरिजन के नाम से जाना जाता है ना, जो निम्न स्तर की जो होते हैं, मतलब पहले जो भेदभाव होता था निम्न स्तर उच्च स्तर के लोगों के बीच में, तो ये उन लोगों के लिए काम करता है। ठीक है, तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? पहले जो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला और सचिव थे अमृतलाल विठल दास ठक्कर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली के अंदर किया गया था। तो इसके जो शाखाएं हैं वो तो काफ़ी सारी जगह पर आपको मिलती। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो शंकर कुमार सान्याल है। प्रेजेंट टाइम पे इसकी हेड जो है वो शंकर कुमार सान्याल है। इज इट ओके? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच ब्रिज कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ टू पासीगढ़? कौन सा ब्रिज है जो डिब्रूगढ़ असम को पासीगढ़ अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है? बोगीबिल ब्रिज है, सराई घाट, नामदांग स्टोन या फिर बराक रिवर ब्रिज? कौन सा ब्रिज है जो कनेक्ट करता है इन दोनों जगहों को? ऑप्शन नंबर ए, सबका आंसर यही है, रितु, ग्रेट इंडिया, सुहानी, विकास, ज्योति। ऑप्शन नंबर ए सब लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, बोगीबिल ब्रिज करेक्ट है। देखो बोगीबिल ब्रिज की बात करते हैं तो ये है ना हमारे देश का लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज है। रोड कम रेल ब्रिज है हमारे देश का लॉन्गेस्ट कहा जाता है, यानी कि सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल है। सड़क सह रेल पुल है, ये बना हुआ है कौन से रिवर के ऊपर? ब्रह्मपुत्रा पे बना है। कौन से स्टेट में मिलता है आपको? असम के अंदर मिलता है ये। ठीक है,
सड़क से रेल पुल मतलब रोड भी बना हुआ है, इसके ऊपर रेल ब्रिज, रेल के लिए भी ट्रैकिंग बिछाया हुआ है, तो दोनों का काम करता है ये। ओके, इस प्रकार से इसको बना है। तो यहीं पर असम के अंदर ही आपको हमारे देश का लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट ब्रिज मिलता है। ये किस नाम से है? तो ये आपको मिलता है भूपेन हजारिका के नाम से। भूपेन हजारिका ब्रिज असम के अंदर ही ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। अच्छा, असम के अंदर ही आपको मिलता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। ये भी कहां मिलेगा? असम में, सेम ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ठीक है, और अगर आपसे सबसे छोटा ब्रिज पूछ लिया जाए, स्मॉलेस्ट ब्रिज, इसका आंसर आप लोग करोगे, ये भी असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है। उसका बस नाम बता दीजिए मुझे, जो स्मॉलेस्ट ब्रिज है हमारा। जल्दी से, रितु बनी थी ना आज की क्लास के चाणक्य, रितु आंसर करेंगे। हाँ, आज ऐप पे क्लास नहीं, सुबह वाली क्लास ऐप पे नहीं चल रही है। सुबह वाली क्लास 8 बजे वाले सिर्फ यूट्यूब पे चलती है, जो 9:30 बजे वाली क्लास है आपकी वो यूट्यूब पे चलती है। उमानंद है, सुहानी ने आंसर किया है, करेक्ट है। उमानंद, जो है आपका जो ब्रिज है ये स्मॉलेस्ट ब्रिज कहा जाता है, ये स्मॉलेस्ट, सॉरी रिवर आइलैंड होगा, ब्रिज दिमाग में चल रहा है, स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड। ठीक है, स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड, ये किसे कहा जाता है? उमानंद को कहा जाता है। ये भी असम के अंदर ही है, सेम ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ ब्रिज है। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आज हम लोगों ने 45 क्वेश्चंस अवार्ड्स के किए हैं, 15 क्वेश्चंस हमने स्टैटिक जीके का भी किया है, तो आज हमने कुल मिला के 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, सो काफ़ी है आज के इतना कंटेंट। अब हम मिलते हैं आपसे कल। जिन बच्चों ने बैच परचेज किया हुआ है तो वो भी बैच में आएंगे, बदलाव बैच में भी क्लास होने वाली है स्टैटिक जीके की। ठीक है, स्टैटिक जीके प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल रहे हैं वहाँ पर। सो जिन बच्चों को क्लास में आना है, जिन्होंने बैच परचेज किया है, तो वो आ सकते हैं। और यूट्यूब पे कल करंट अफेयर्स का, 2 दिन का मैं करंट अफेयर्स न्यूज़ कवर कराऊँ, क्योंकि आज नहीं लगी न्यूज़ वाली क्लास आपकी, न्यूज़ एनालिसिस नहीं हुआ है आज, आज की न्यूज़ और कल की न्यूज़ कल लगेगा आपका। ठीक है, सुबह 8 बजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलो, PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, नोट करो साइंस विद काजल मैम के नाम से। और मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो पिंकी सरोहा के नाम से। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो पिंकी सरोहा 2.0 के नाम से, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ओके, सो गाइज मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।